आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। और सच बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी स्किन केयर पे भी वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्किन केयर रूटीन सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक स्किन केयर सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। ऑल्सो कई लोगों को लगता है कि हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क है, हमें स्किन केयर से क्या ही फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चाहे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो या फेयर हो, स्किन केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ब्राइट है तो आपको भी स्किन केयर की नीड नहीं है। स्किन केयर स्किन कॉम्प्लेक्शन से बहुत आगे की चीज है। ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और आप सबके साथ एक सिंपल एंड अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन भी शेयर करने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। इस वीडियो में दिखाई जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स एंड सजेशन स्पॉन्सर्ड नहीं है, एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो फॉर बेस्ट प्राइसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं स्किन केयर पिछले बहुत ज्यादा सालों से कर रहा हूँ। मैंने भी 8-10 महीने पहले ही स्किन केयर शुरू करा है और उसके बाद मैंने खुद की स्किन में बहुत सारे चेंजेस देखे। जब मैं कॉलेज में था तो ऑब्वियसली उस टाइम मेरी लाइफ में कोई स्किन केयर नहीं था। कभी कभी तो स्किन अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी बहुत सारे पिंपल्स हो जाते थे। मेरी स्किन काफी ऑयली लगती थी, डल लगती थी और बहुत ही ग्रीसी स्किन लगती थी, एंड हमेशा ब्लैक हेड्स भी रहते थे। लेकिन जब से मैंने ये स्किन केयर रूटीन शुरू करा है, 8-10 महीने में मुझे अपनी स्किन में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। ऑल्सो मुझे टीनेज से ही काफी ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस फक हो गया था। आप मानो या ना मानो, लुक्स मैटर करते हैं और आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके लुक्स ही होते हैं। कोई भी आपको पहली बार मिलता है तो सबसे पहले वो आपका फेस नोटिस करता है, तो फेस केयर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस चीज से जरूर से एग्री करोगे कि जब भी आप अच्छे दिख रहे होते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक कॉलेज फ्रेंड मुझसे मिलने आया था, जो कॉलेज के बाद 2 साल बाद मुझसे मिल रहा था। उसने सबसे पहले मिलकर मुझे एक ही चीज बोली कि हरमन, तेरी स्किन काफी बेटर हो चुकी है, तेरा फेस काफी ग्लो कर रहा है, थैंक्स टू माय स्किन केयर रूटीन। और आज के वीडियो में मैं ये सारी चीजें आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्किन केयर रूटीन जानने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन केयर हेल्प करता भी है या नहीं। अगर करता है तो कैसे करता है। मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत सर्दी भी पड़ती है। और ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से सबसे पहले जो चीज कॉन्टेक्ट में आती है ना, वो हमारी स्किन होती है। और जैसे हम अपने बाकी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बाहर बाइक चलाते हैं, धूप में निकलते हैं, हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती है। अभी तो हम यंग है तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम 35-40s में पहुंचेंगे तो हमारे फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगेंगे और एजिंग भी बहुत ज्यादा तेजी से होगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में एक स्किन केयर रूटीन लेकर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसी रीजंस की वजह से अपनी स्किन को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्किन केयर करने से शायद आपको इंस्टेंट एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ना देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब स्किन केयर करने से पहले सबसे पहले आपको अपना स्किन टाइप पता होना जरूरी है। क्या आपकी स्किन ऑयली है, क्या आपकी स्किन ड्राई है, या आपकी स्किन नॉर्मल है। जैसे मेरे केस में मेरी स्किन ना ही ड्राई है और ना ही बहुत ज्यादा ऑयली है, मेरी स्किन थोड़ी नॉर्मल टाइप की है। अपना स्किन टाइप जानने के लिए या तो आप अपने मॉम से पूछ सकते हो, अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो, या तो अपने किसी फीमेल फ्रेंड से पूछ सकते हो, बिकॉज उन्हें स्किन केयर की हमसे ज्यादा नॉलेज होती है। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके पास, मैं बताता हूँ कैसे आप अपना स्किन टाइप पता कर सकते हो। तो किसी दिन शावर लेने के बाद कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई मत करना और 30 मिनट्स तक वेट करना। अगर 30 मिनट्स बाद आपकी स्किन आपको टाइट, रफ और फ्लेकी फील हो रही है, तो आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपको अपनी स्किन शाइनी और ग्रीजी फील हो रही है अराउंड दी एरियाज ऑफ योर फोरहेड, नोज, चिन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली के बीच में फॉल करती है। तो आई होप अब आपको अपने स्किन टाइप पता चल गया होगा। जैसे मेरा है नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप। तो चलो बहुत हो गई बातें और अब जानते हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ CTTMS स्किन केयर रूटीन, जो होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड अप्लाइंग सनस्क्रीन।
हाँ भाई पता है ये सुनकर तुम डर चुके हो, बट चिल करो, तुम्हारा भाई तुम्हें एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजिंग। किसी भी स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना होता है। जैसे जब हम फेस वॉश लगाते हैं तो उस स्टेप को हम क्लेंजिंग कहते हैं, और हम लड़कों के लिए तो क्लेंजिंग ही पूरा स्किन केयर रूटीन होता है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन का। अभी मैं नहाकर आ चुका हूं तो मैंने क्लेंजिंग कर लिया। थोड़ा सा मैं आपको क्लेंजिंग के बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने यूज किया था सेटाफिल, अभी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली NCR में, तो यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इवन आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, बाहर जाते हो, तो आपके फेस में धूल मिट्टी जाती है। अगर आप बाइक चलाते हो तो फेस में बहुत ज्यादा डर्ट एंड इम्प्योरिटीज जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी स्किन केयर रूटीन का होता है कि आपको अपनी स्किन को क्लीन करना है, तो एक क्लेंजिंग फर्स्ट स्टेप होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लेंजिंग के अंदर आप हमेशा माइल्ड ऑप्शंस के साथ जाओ, जैसे कि ये सेटाफिल है, ये ड्राई स्किन के लिए भी आता है और ये ऑयली स्किन के लिए भी आता है। ये काफी ज्यादा माइल्ड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शंस की तरफ जाना है तो आप नीम फेस वॉशेस ले सकते हो, हिमालय का आता है, पतंजलि के फेस वॉश आते हैं। बस मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा माइल्ड लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उसके अंदर तो मैं अपनी सारी रिकमेंडेशंस डाल ही दूंगा। CTTMS का सेकंड स्टेप होता है टोनिंग, और ये होता है सेकंड स्टेप ऑफ क्लेंजिंग। तो अभी मैं टोनर अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं टोनिंग हम करते क्यों है। तो टोनिंग होता है हमारा सेकंड स्टेप ऑफ क्लीनिंग। हमने क्लेंजिंग करनी है, लेकिन एक सेकंड स्टेप ऑफ क्लीनिंग होता है, और ये हमारे स्किन के pH लेवल्स को बैलेंस करता है। अब ये pH वाली चीज मैंने भी गूगल से पढ़ी है, तो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ दी बॉडी शॉप का टी ट्री टोनर, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो वो भी मैं आपको बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ, लेकिन हम सबसे पहले हमारा सेकंड स्टेप कर लेते हैं जो है टोनिंग, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा अपने हाथ में ले रहा हूँ, एंड देन मैं इसको लेकर बस अपने स्किन पे टैप करने वाला हूँ। तो इसको बढ़िया तरीके से मैं टैप कर लूंगा, और सीरियसली इसे लगाकर काफी एक मैट फिनिश भी आती है मैंने जितना नोटिस करा है। और ये सेकंड स्टेप ऑफ क्लीनिंग, इसे ऐसे ही नहीं कहते, फील होता है कि हाँ यार आपकी स्किन और ज्यादा क्लीन हो चुकी है। मैं आपको काफी सारे ऑप्शंस देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूंगा अफोर्डेबल ऑप्शन भी दूं। लेकिन अगर ज्यादा बजट नहीं है आपका, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है तो बजट निकाल लेता है, कर लेता है, किसी के पास कुछ लोग कर लेते हैं अफोर्ड, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते, तो उन सबके लिए सॉल्यूशन है हमारा ट्रेडिशनल रोज वाटर, ठीक है। रोज वाटर, गुलाब जल बहुत अच्छे टोनर की तरह काम करता है। अगर आप नहीं कुछ ज्यादा परचेज करना चाहते तो आप बस, ठीक है। और गुलाब जल यार आपको सोने से पहले भी आप ये यूज कर सकते हो, काफी अच्छे टोनर की तरह काम करता है, ठीक है। आप इसे लगाओ और इसकी खुशबू तो यार आपके फेस को एकदम फ्रेशनेस वाली वाइब दे देगी। अब काफी सारे ब्रांड्स आते हैं, मैं थोड़ा ब्रांड के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड में अगर मैं जाऊँ तो दी बॉडी शॉप है, मिनिमलिस्ट है, प्लम करके एक ब्रांड आता है, और अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो मैंने बता दिया, आप कोई भी गुलाब जल खरीद लो, मोर देन सफिशिएंट है। थर्ड स्टेप होता है ट्रीटमेंट। ये स्टेप ऑप्शनल है, ठीक है, ये एक फैंसी स्टेप है। आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी चल जाएगा। मैं ट्रीटमेंट का स्टेप करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सीरम लगा रहा हूँ। लेकिन यार ये ट्रीटमेंट स्टेप होता क्या है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ तो मैं ये भी सिखाऊंगा। तो ट्रीटमेंट स्टेप बस उसके लिए है जिनको कुछ स्पेशल स्किन कंसर्न है। लेट सपोज आपको एक्ने है, या लेट सपोज आपके स्किन में थोड़े पिगमेंटेशन है। अगर ऐसा कोई स्किन कंसर्न आपको है तो आप एक ट्रीटमेंट स्टेप इंक्लूड करते हो। तो मेरे को एज सच एक्ने भी कुछ खास नहीं है, और मेरा स्किन इस वक्त काफी अच्छे उसमें है, तो मेरे को ट्रीटमेंट स्टेप की एज सच नीड नहीं है। बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी सीरम। अभी मैं आपको स्किन केयर किट्स के बारे में बताऊंगा कि आप किट भी परचेज कर सकते हो। तो मैंने किट परचेज करी थी जिसके अंदर से मुझे मिला था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने लिया, मैं इतना ही लगा रहा हूँ अभी वीडियो पर्पस के लिए कह सकते हैं। अब मैं इसको लूंगा और इसको भी अच्छे से, इसको टैप नहीं करना होता, इसको आपको अच्छे से अपने जो फेस है उस पे आपको अपने आपको एक बढ़िया सी मसाज देनी है। ओह वाओ, आई एम लविंग माय स्किन राइट नाउ। तो मैंने अपना थर्ड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक पे भी कर सकते हो, मैं नेक पे करता हूँ, लेकिन अभी बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ फेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो फेस ना बेटर लगने लग जाता है तीन स्टेप्स के बाद ही। तो अब हम बात करते हैं ब्रांड्स की। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनमें आपको ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, नियासिनामाइड और सीरम्स वगैरह। मैन कंपनी का भी आपको एवरेज प्राइसिंग में मिल जाएगा, मिनिमलिस्ट कंपनी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अफोर्डेबल ऑप्शंस आप सबके लिए विटामिन सी सीरम एंड नियासिनामाइड के
डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूं। फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग से हमारी स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो अब उसे नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन की जरूरत है। इसी में हेल्प करते हैं हमारे मॉइस्चराइजर्स। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ द मैन कंपनी का, ठीक है, और मैं जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखा रहा हूँ एक भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत महंगे भी मिल जाएंगे, बहुत सस्ते भी मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं द मैन कंपनी यूज कर रहा हूँ, तो एक मिड ऑप्शन है आपके लिए, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है। अगर आपको सस्ते ऑप्शन, सस्ता तो नहीं बोलूंगा, अफोर्डेबल एंड अच्छे ऑप्शन, तो पॉन्ड्स जैसी कंपनीज, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप ये पॉन्ड्स का लगा सकते हो। सुपर लाइट जेल मजा आ जाता है, ये भी मैं कई बार यूज करता हूँ। अगर बिल्कुल ही लेट सपोज आप ज्यादा स्पेंड ही नहीं करना चाहते हो, आपके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा जो होता है एलोवेरा जेल, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गुलाब जल लगाने के बाद अगर आप एलोवेरा लगाओगे तो ऐसा मत करना कि आप बाहर जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप रात को सोने वाले हो तो गुलाब जल प्लस एलोवेरा एक बहुत अच्छा टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का ऑप्शन बन जाता है। थोड़ा ऐसे मैं लगा लेता हूँ एंड देन मैं उसको फिर अच्छे से रब कर लूंगा, मसाज कर लूंगा अपने फेस में। स्टार्टिंग में मे बी आपको ऐसा लगे यार मैं काफी प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ, पहले मैं क्लीन क्लेंजिंग करी, फिर टोनिंग कर दी, ट्रीटमेंट कर लिया, मॉइस्चराइजर लगा रहा हूँ, अभी मेरा एक और स्टेप बाकी है। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ओवर द टाइम ना आपको अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि आपकी स्किन आपको थैंक्स बोलेगी। कैसे बोलेगी? वो ग्लो करेगी। अगर आप थोड़ा स्पेंड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेटाफिल ब्रांड के भी आपको फॉर ड्राई एंड ऑयली स्किन मॉइस्चराइजर मिलते हैं। मिनिमलिस्ट ब्रांड और जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, एक न्यूट्रोजेना आई गेस ब्रांड है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर किसी को एक्सपेंसिव लेना है उनके भी लिंक्स, और अगर किसी को अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है अप्लाइंग सनस्क्रीन, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा धूप होती है, दिल्ली में तो मुझे पता है क्या हालत हो जाती है हमारी। तो जब हम बाहर निकलते हैं धूप में, सबसे पहले तो हमें डर होता है टैनिंग का, लेकिन टैनिंग से भी ज्यादा एक चीज है जो खतरनाक है, जो यूवी रेज है, वो हमारे फेस के जो टिश्यूज हैं, इवन हमारे स्किन के टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। हमारा जो स्किन है वो डैमेज होता है, आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जो आपकी एजिंग है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आपको एक सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने वाला हूँ, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50+ SPF वाली ही सनस्क्रीन अप्लाई करो, उसके कम की तो यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। मैं ये न्यूट्रोजेना कंपनी की कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आती है। यहाँ पे आपको बायोटिक कंपनी की भी एक मैं दिखा रहा हूँ, पॉन्ड्स की भी आती है, काफी सारी कंपनीज की आती है, और ये भी रेंज करती है, मतलब आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और एक्सपेंसिव ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सनस्क्रीन अब हमें पता है कि कैसे लगाई जाती है, बाकी भाई मैंने थोड़ा लड़कियों के वीडियो देख के ही समझ लो मैंने ये सीखा है, ये 3-finger rule होता है, कुछ थोड़ा ज्यादा लगाना होता है ये, ठीक है। एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जब तक मैं अपनी सनस्क्रीन लगा रहा हूँ, कि जब आप स्किन केयर रूटीन रात को करते हो तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह कर रहे हो, आप बाहर निकलने वाले हो घर से, तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत करो। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट टेक्सचर इसने लीव कर दिया है, लेकिन मैं इसको अच्छे से मसाज करूंगा एंड विद इन 2-3 minutes ये पूरा गायब हो जाएगा। और एक बात बताऊं, ये सनस्क्रीन लगाने के बाद ना मेरा फेस अलग ही ग्लो करता है। बस अभी इसे मैं थोड़ा अच्छे से मसाज कर देता हूँ, ये सेटल डाउन कर जाए और मेरा स्किन का कलर ले ले। ठीक है गाइस, तो अब सारे के सारे स्टेप्स हो चुके हैं, स्किन केयर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मुझे बाहर जाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्किन केयर तो हमने कर लिया और काफी सारे प्रोडक्ट्स भी लगा लिए, लेकिन यार सिर्फ प्रोडक्ट्स अप्लाई करना ही स्किन केयर नहीं होता, काफी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जब आप करोगे उन्हें तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लगेगी। और स्किन केयर तो बस आपको हेल्प करेगी कि आप लंबे समय तक, कि आप 30s-40s तक भी अपनी स्किन को रिटेन करो, जैसी वो है वैसी वो रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो करने जरूरी हैं एक ग्लोइंग स्किन के लिए। अब नेक्स्ट चीज आती है दैट हैविंग अ गुड स्किन इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड स्किन केयर रूटीन एंड हैविंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। कई लोग होते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगाते भी नहीं है, स्टिल उनकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं और आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद आपकी स्किन बहुत इंप्रूव होगी बहुत जल्दी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे पहले
वाला है स्टेइंग हाइड्रेटेड। अब तो गर्मी आ रही है, दिन के 3 से 4 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना है एंड विद इन अ वीक आपको अपने फेस पे ग्लो दिखेगा, आपके पिंपल्स, आपके ब्लैक हेड्स कम होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड इज वर्किंग आउट। जिम जाना और वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आप स्वेट भी बहुत ज्यादा करते हो। एंड मैंने अपने साथ ये बहुत ज्यादा देखा है कि जिम जाने के बाद से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गई है, और ये डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड है प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन। ट्राई करो कि आप डेली शावर ले रहे हो, और अगर आप शावर नहीं भी ले पा रहे हो तो दिन में 1 से 2 बार स्किन केयर रूटीन अपनी जरूर से करो। दिन में 2 बार फेस क्लीन करने की कोशिश करो एंड ग्रूमिंग पे भी ध्यान दो। फोर्थ इज हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी डाइट खराब होती है ना यार, वो सीधा उस इंसान के फेस पे दिखता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो खुद आप अपनी डाइट को चेंज करके देखो, और आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे ना जो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो गाइज ये थे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। इन्हें करने के बाद इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा नहीं होने वाला कि 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे उन टीवी एड्स में होता है। वो सब मार्केटिंग गिमिक्स है। खुद को कम से कम 6 महीने दो। जैसे मुझे 8 से 10 महीने हो चुके हैं और मुझे विजिबल डिफरेंसेस दिखते हैं। एंड जो आप स्किन केयर कर रहे हो उससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ताकि आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स ना आए या बहुत लेट आए, और आप अपनी एजिंग की स्पीड को रिड्यूस कर रहे हो। अब मैं आपको एक मस्त टिप देता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मोस्टली लोग बिगिनर्स हैं, तो मुझे पता है इतने सारे प्रोडक्ट्स चूज करने में आपको बहुत झंझट होने वाला है। तो मे बी स्टार्ट करने के लिए आप स्किन केयर किट्स खरीद सकते हो, जो काफी सारे ब्रांड्स की आती है, अफोर्डेबल एंड एक्सपेंसिव। सारे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले दी मैन कंपनी का स्किन केयर रूटीन खरीदा था। आप मिनिमलिस्ट का खरीद सकते हो, आप और भी बहुत सारी कंपनीज का खरीद सकते हो, और मैं कुछ अच्छे ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो गाइज यही थी मेरी स्किन केयर रूटीन फॉर एवरीवन। ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट के वीडियोस मैं यूट्यूब पे लेकर आता रहता हूँ, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट देखना पसंद है ना, तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं 60 सेकंड्स के अंदर आपके दिमाग के धागे खोल देता हूँ। मेरे वीडियोस देख के आपकी लाइफ में जरूर से वैल्यू ऐड होगी, और यही मेरा मिशन है। मिलता हूँ ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में। एंड टिल देन, हसल विद हरमन।